नमस्कार दोस्तों, 15 मई 2021 के डेली न्यूज़ एनालिसिस करंट अफेयर्स डिस्कशन में आपका स्वागत है। देखते हैं कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। पहली, WHO के चीफ ने बोला है कि भाई कोविड की जो सिचुएशन है इंडिया में, दिस इज़ ह्यूजली कंसर्निंग। आप देखिए, इंडिया में बहुत सारे नंबर ऑफ केसेज आ रहे हैं, हॉस्पिटलाइजेशन है, डेथ्स है, ये तो रोज की बात हो गई है। WHO के जो चीफ हैं टेड्रॉस एडहानम घेब्रेसियस, इन्होंने ऑलरेडी फ्राइडे को ये वार्निंग दी है कि जो पैंडेमिक का दूसरा ईयर है वो पहले साल से ज़्यादा खतरनाक होगा, इट विल बी फार मोर डेडली, और कहीं ना कहीं ये हो रहा है। और ये वार्निंग मिस्टर घेब्रेसियस ने केवल इंडिया के लिए नहीं दिए, पूरी दुनिया के लिए दिए। इस रिस्पेक्ट में अगर बात की जाए तो इन्होंने ये बताया कि भाई WHO इंडिया के कोविड सर्च में हज़ारों की तादाद में ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स भेज रहा है, टेंट्स भेज रहा है मोबाइल फील्ड हॉस्पिटल्स के लिए, मास्क भेज रहा है, मेडिकल सप्लाईज भेज रहा है। तो अच्छी अच्छी बातें उन्होंने की कि WHO इंडिया कैसे मदद कर रहा है। उस रिस्पेक्ट में अगर आप देखोगे तो फ्राइडे को इंडिया में 340,000 कोरोना वायरस के केसेज आए हैं। अभी कुछ दिन पहले 4 लाख आ रहे थे, तो 4 लाख के रिस्पेक्ट में तो 340,000 थोड़ा कम ही दिख रहा है। फिर आप देखिए तो इंडिया की जो कोविड टैली है, December 2019 को 10 मिलियन मार्क क्रॉस कर चुकी है, मतलब 1 करोड़ क्रॉस कर चुकी है। और December 2019 से 4 मई को 20 मिलियन केसेस क्रॉस हो गए, यानी December 2019 को 1 करोड़ क्रॉस हुए थे और 4 मई को 2 करोड़। तो मतलब 6 महीने के अंदर अंदर इंडिया 1 और करोड़ केसेस को जोड़ गया है इंडिया में कोरोना वायरस के। इस रिस्पेक्ट में बात की जाए तो ये जो कोरोना वायरस के गंदे केसेस हैं और ये जो इमरजेंसी लाइक सिचुएशन है इंडिया में, केवल इंडिया तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, दुनिया की ऐसी बहुत सी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर इस प्रकार की प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि नेपाल, श्रीलंका, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, इजिप्ट, ये कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पे केसेस बढ़ रहे हैं, हॉस्पिटलाइजेशन हो रहे हैं। और इस रिस्पेक्ट में अगर आप बात करो तो ये अमेरिकाज नाम का जो इलाका है उसमें 40% ऑफ द COVID-19 डेथ हुई आखिरी हफ्ते। यहाँ पे मैं आपको काम देता हूँ, मैंने पहले भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की है, ये जो अमेरिकाज नाम का इलाका है इसमें कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं ये आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ। व्हाट ऑल कंट्रीज कंप्राइज दिस रीजन नेम अमेरिकाज। फिर ये बोला जा रहा है कि अफ्रीका में भी जो कोरोना वायरस के स्पाइक से बहुत बढ़े हुए हैं, एक हाइटेंड रिस्पॉन्स है यहाँ पे, डर का माहौल है, और इस रिस्पेक्ट में WHO जो हो सकता है वो कर रहा है। मतलब टेड्रोस एडहानम यहाँ पे WHO की तारीफ कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। WHO और इंडिया के एसोसिएशन की बात कीजिए तो इंडिया बिकेम अ पार्ट टू WHO ऑन 12 जनवरी 1948। रीजनल ऑफिस फॉर साउथ ईस्ट एशिया WHO का कहाँ पे, नई दिल्ली में। WHO इज इंस्ट्रूमेंटल इन कंट्रीज ट्रांजिशन फ्रॉम हॉस्पिटल बेस्ड टू कम्युनिटी बेस्ड केयर। कहीं ना कहीं इंडिया में हॉस्पिटल बेस्ड केयर इनिशियली थी, इसको कम्युनिटी बेस्ड केयर में बदलना, मतलब कम्युनिटी की मदद से एक वाइडर स्केल पे मेडिकल सर्विसेज को लोगों तक ग्राउंड लेवल पे, रूरल इलाकों में, सबर्बन इलाकों में पहुँचाना, इसमें कहीं ना कहीं WHO ने इंडिया की मदद की। और एक WHO कंट्री कोऑपरेशन स्ट्रेटजी है 2012 से 2017, ये जॉइंटली डेवलप की गई है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और WHO कंट्री ऑफिस फॉर इंडिया के साथ मिलके, ठीक है। WHO के रिस्पेक्ट में मैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की सीरीज के अंदर एक वीडियो बना चुका हूँ, आप वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO मेरे नाम हर्षित द्विवेदी के साथ यूट्यूब में सर्च मारो, आपको वीडियो मिल जाएगी। जनरल स्टडीज पेपर 2 में इशूज रिलेटेड टू हेल्थ में न्यूज़ आपको काम आएगी। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, अगर अब तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया, इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया, कर दीजिए, ज्वाइन बटन दबा के हेल्प कर सकते हैं। आप देखना चाहते हो कि मैंने कौन कौन से टॉपिक्स पे प्लेलिस्ट बना रखी, वीडियोस बना रखी, तो मेरे चैनल हर्षित द्विवेदी एजुकेशन के प्लेलिस्ट सेक्शन में चले जाओ, वहाँ पे आपको वीडियोस दिख जाएंगी, प्लेलिस्ट दिख जाएगी और अपनी मर्जी के हिसाब से आप देख सकते हैं। ज्वाइन बटन दबाने वालों को अभी के लिए कोई अलग से वीडियो तो नहीं मिल रही है, बट हाँ उनके क्वेश्चंस को मैं कोशिश करूँगा कि प्रायोरिटी पर रखूँ शॉर्ट्स के जवाबों में, और अभी के लिए मुझे कोर्स कंप्लीट करना है, बाद में ज्वाइन बटन दबाने वालों के लिए एक्स्ट्रा वीडियोज़ भी आने लगेंगी। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, अलग अलग प्रकार से आपसे जुड़ने की कोशिश करूँगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, मेरे लेक्चर की PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, मेरे लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए, आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ है, कोविशील्ड कोवैक्सीन मेड फ्यूअर एंटीबॉडीज अगेंस्ट B.1.617 वेरियंट। ये जो वेरियंट है ना, ये इंडिया में अक्टूबर से फैल रहा है, अक्टूबर 2020 से, और इसके भी 3 अलग अलग वर्जनस हैं, B.1.617, 1.2, दूसरा। तो मतलब ये जो वेरिएंट है अपने आप में, इसके बहुत से दूसरे वेरिएंट्स भी हैं। और अभी एक रिसर्च निकल के आ रही है, और ये रिसर्च किसने पब्लिश की है, साइंटिस्ट एट द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इनका ये बोलना है कि जो कोविशील्ड है और जो कोवैक्सीन है, ये इम्यून रिस्पॉन्स तो पैदा करती है B.1.617 वेरियंट के अगेंस्ट, पर थोड़ा कम इम्यून रिस्पॉन्स पैदा करती है। तो अप्रैल 2020 में इंडिया में जो वायरस वेरियंट फैलना शुरू हुआ था कोरोना वायरस का, उसको बोला गया था B1, और इस B1 के हिसाब से कोवैक्सीन और कोविशील्ड बना दी गई थी।
हालांकि कोवैक्सीन और कोविशील्ड का बनाने का तरीका अलग है। कोविशील्ड एक वायरल वेक्टर वैक्सीन है जिसमें चिंपैंजी के वायरस के अंदर एक जेनेटिक कोड डाला जाता है कोरोना का, और वो हमारे यहाँ पे इम्यून रिस्पॉन्स लेके आता है। कोवैक्सीन क्या है, इनएक्टिवेटेड वायरस है, तो कोरोना वायरस को ही इनएक्टिव करके कोवैक्सीन के थ्रू हमारी बॉडी में इंसर्ट किया गया, दोनों ने इम्यून रिस्पॉन्स दिया। बट इन दवाइयों को बनाया गया था B1 वेरिएंट के हिसाब से। अभी B1 वेरिएंट के अगेंस्ट जितनी एंटीबॉडीज कोवैक्सीन और कोविशील्ड पैदा कर रही हैं, B.1.617 के अगेंस्ट उससे आधी पैदा कर रही हैं। मतलब जो इम्यून रिस्पॉन्स कोविशील्ड और कोवैक्सीन का B.1.617 के अगेंस्ट आ रहा है, वो आधा है उस रिस्पॉन्स से जो कि B1 वेरिएंट के अगेंस्ट आ रहा था। तो पिछले साल कोरोना वायरस का जो वेरिएंट इंडिया में फैल रहा था उसके अगेंस्ट जितनी एंटीबॉडीज पैदा कर रही थी ये दो दवाइयाँ, उससे आधी कर रही हैं लगभग। किस केस में? B.1.617। इस केस में एक ऑब्जर्वेशन ये निकल के आ रहा है कि B.1.617 के अगेंस्ट कोवैक्सीन ज़्यादा एफिशिएंट है या कोविशील्ड ज़्यादा एफिशिएंट है, तो जवाब है कि भाई दोनों बराबर एफिशिएंट है। फिर अगर आप बात करो तो ये सब चीज़ें पता किसने करी हैं, तो ICMR और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे के साइंटिस्ट ने मिलकर जनवरी से डाटा कलेक्ट करना शुरू किया है, जेन्यूम सीक्वेंसिंग की है कोरोना वायरस पेशेंट्स की, और इस बात को जानने की कोशिश की है कि जो कोविशील्ड और कोवैक्सीन जैसी वैक्सीन्स हैं ये B.1.1.7 UK वेरिएंट के अगेंस्ट, B.1.315 साउथ अफ्रीकन वेरिएंट के अगेंस्ट, P2 ब्राज़ील वेरिएंट के अगेंस्ट और B.1.617 इंडियन वेरिएंट्स के अगेंस्ट कितनी इफेक्टिव है। अगर आप मैं आपको बता दूं तो B.1.617 वाला जो वेरिएंट है इसके 3 और सब वेरिएंट्स हैं और यही इंडिया में मेजर ऑफ द केसेस कॉज कर रहे हैं। इस रिस्पेक्ट में अगर आप बात करो तो B1 के हिसाब से जो दवाई बनाई गई थी वो B.1.617 वाले स्ट्रेन के अगेंस्ट आधी एफिशिएंट है। तो ये जो वायरस है कहीं ना कहीं म्यूटेट होता है, और अब जो म्यूटेट करके फॉर्म नज़र आ रहा है वो इम्यून सिस्टम्स को और एंटीबॉडीज़ को ज़्यादा अच्छे तरीके से स्किप कर पा रहा है। तो B1 के अगेंस्ट जितनी एंटीबॉडीज क्रिएट कर रही थी कोवैक्सीन, उससे 55% कम एंटीबॉडीज क्रिएट कर रही अगेंस्ट B.1.617। सिमिलरली कोविशील्ड की बात की जाए तो यहाँ पे एक मेडिकल टर्म है जिसका नाम है ज्योमेट्रिक मीन टाइटर, मतलब कि नंबर ऑफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस के लिए ज्योमेट्रिक मीन टाइटर बोला जाता है। तो भाई B1 वाले वेरिएंट के अगेंस्ट अगर कोविशील्ड का नंबर था 42.92, तो B.1.617 के अगेंस्ट 21.9, मतलब आधा हो गया ऑलमोस्ट, यानी यहाँ पे भी 50% का रिडक्शन है। वहीं पे UK स्ट्रेन में केवल 6% का रिडक्शन है, मतलब B1 स्ट्रेन के अगेंस्ट जो इंडिया में दवाई बनी थी वो B.1.7, मतलब UK में जो कोरोना वायरस का स्ट्रेन फैला था उसके अगेंस्ट हमारी दवाइयाँ काफ़ी एफिशिएंट है, लेकिन ब्राज़ील स्ट्रेन के अगेंस्ट उतनी एफिशिएंट नहीं है, क्योंकि ब्राज़ील के स्ट्रेन P2 के अगेंस्ट फिर से जो एफिशिएंसी है एंटीबॉडी प्रोडक्शन की वो 50% कम हो जाती है। इसलिए डॉक्टर सम्मेलन पांडा का यहाँ पे बोलना है, और ये हेड है ICMR दिल्ली के एपिडेमियोलॉजी डिवीज़न के, कि भाई कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों इक्वली एफिशिएंट है अगेंस्ट B.1.617। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो क्या हम लोग वैक्सीन लेना बंद कर दें अगर ये कोवैक्सीन और कोविशील्ड कम एफिशिएंट है? इस रिस्पेक्ट में मैं आपको ये बोलूँगा कि एक चीज़ होती है टी सेल इम्यूनिटी। भले ही एंटीबॉडी प्रोटेक्शन कोवैक्सीन का और कोविशील्ड का अगेंस्ट B.1.617 आधा है, लेकिन एक चीज़ होती है टी सेल इम्यूनिटी, मतलब कि किस हद तक जो टी सेल्स डिफेंसिव बॉडीज़ हैं उनको एक वैक्सीन मोबिलाइज कर पाती है। तो कोवैक्सीन और कोविशील्ड टी सेल्स को मोबिलाइज करती है बाहर के वायरसेस के अटैक को झेलने के लिए। तो भले ही एंटीबॉडी प्रोडक्शन की बात में कोविशील्ड और कोवैक्सीन B.1.617 पे थोड़ी पीछे जा रही हो, लेकिन ये जो टी सेल इम्यूनिटी आपको डेवलप होगी इन वैक्सीन्स की वजह से, वो डेफिनेटली आपको कोरोना वायरस से लड़ने में मदद करेगी। इसलिए आप डेफिनेटली जाके वैक्सीन लीजिए पहला मौका मिलता है। मतलब इस स्टडी के आधार पर आप ये मत एसेस कर लेना कि आपको वैक्सीन नहीं लेनी है। ओके, इस रिस्पेक्ट में टी सेल इम्यूनिटी कैसे काम करती है इसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप इस पर्टिकुलर वीडियो को देख लेते हैं, जाके देख सकते हैं जाके, यहाँ पर मैंने टी सेल इम्यूनिटी समझा रखी है। जनरल स्टडीज पेपर 2 में इश्यूज रिलेटिंग टू हेल्थ में न्यूज़ आपको काम आएगी। नेक्स्ट न्यूज़ है, चाइनीज स्पेस क्राफ्ट सक्सेसफुली लैंड ऑन द सर्फेस ऑफ मार्स। एक अनक्रूड चाइनीज स्पेस क्राफ्ट, मतलब जिसमें कोई भी क्रू नहीं है, वो मार्स की सर्फेस पे लैंड हुआ है, और चाइना दूसरा स्पेस फेयरिंग नेशन बन गया है USA के बाद जिसने मार्स के ऊपर लैंडिंग करवाई है। और ये जो लैंडिंग हुई है किसने की है? तियानवन स्पेस क्राफ्ट ने की है, साउदर्न यूटोपिया प्लेन में। ओके, तो भाई
जो फाइनली 9 मिनट्स ऑफ डिसेंट थे, इनको यहाँ पे 9 मिनट्स ऑफ टेरर बोला गया, तो यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए एक अच्छा सवाल बनता है। हो सकता है यूपीएससी आपसे पूछ दे कि 9 मिनट्स ऑफ टेरर क्या है यहाँ पे। तो ये जो लैंडिंग प्रोसेस हुआ है ना चाइनीज ऑर्बिटर का मार्शियन एटमॉस्फेयर में, इसको यहाँ पे बोला गया कि जो आखिरी 9 मिनट थे लैंडिंग प्रोसेस के, जिसमें मॉड्यूल पहले धीमे होता था फिर धीमे धीमे डिसेंड करता था, इसको बोला गया 9 मिनट्स ऑफ टेरर। चूँकि काफ़ी डिस्टर्बिंग और आप कह सकते हो शेकिंग फ्लाइट होती है, तो इस समय पर ब्लास्ट होने का डर रहता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, इसलिए इसको बोला गया है 9 मिनट्स ऑफ टेरर। यहाँ पे इस तियानवन स्पेसक्राफ्ट के अंदर एक सोलर पावर्ड रोवर भी है जिसको बोला गया है ज़ूरोंग। ये लैंडिंग साइट को सर्वे करेगा, ठीक है ना, इंस्पेक्शंस करेगा, जिस प्रकार से इंजेन्यूनिटी का परसिवरेंस रोवर स्टडी कर रहा है, उसी प्रकार से यहाँ पे ज़ूरोंग रोवर भी स्टडी करेगा। ज़ूरोंग चाइनीज गॉड ऑफ फायर को बोला जाता है। ज़ूरोंग में 6 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं, एक हाई रेजोल्यूशन ओपोग्राफी कैमरा है, और इससे चाइनीज यहाँ पे शोध करेंगे। तो बेसिकली ज़ूरोंग सरफेस सॉयल को, एटमॉस्फेयर को स्टडी करेगा, देखेगा कि क्या कभी मार्स में कोई एंशियंट लाइफ थी, क्या कोई सब सरफेस वाटर या आइस थी, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार की मदद से। इस तियानवन को क्वेश्चंस टू हेवन भी बोला गया, बेसिकली एक चाइनीज पोएम है जो 2 मिलियन ईयर्स अगो लिखी रखी गई थी। ओके, और आप कह सकते हो कि ये चाइना का पहला इंडिपेंडेंट है मिशन मार्स में। क्या इससे पहले चाइना ने मार्स पे लैंडिंग कराने की कोशिश की है? बिल्कुल, रशिया के साथ 2011 में उन्होंने एक मिशन लॉन्च किया था जो कि अर्थ के ऑर्बिट को एग्जिट करते वक्त फेल हो गया था। तो उसके बाद ये इंडिपेंडेंट आप कह सकते हो प्रोब है जहाँ पे चाइना सक्सेसफुल हुआ है। ये जो 5 टन का स्पेस क्राफ्ट है ये साउदर्न चाइनीज आइलैंड हाइनान से उड़ा था ऑन द पावरफुल लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट, और अब इसकी लैंडिंग हो गई है। बेसिकली ये रेड प्लैनेट मार्स के ऑर्बिट में पहुंच गया था फरवरी आप कह सकते हो 2021 में, और तब से ऑर्बिट में, और फाइनली यहाँ पे उसकी लैंडिंग हुई है मार्स की सरफेस पे। जनरल स्टडीज पेपर 2 में अवेयरनेस इन द फील्ड्स ऑफ स्पेस में ये न्यूज़ आपको काम आएगी। तो रिसेंटली बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो कि मार्स तक पहुँच रही, UAE है, इंडिया है, USA है, चाइना है। याद रखिएगा UAE का होप मिशन और इंडिया का जो मॉम है वो ऑर्बिट तक ही पहुँचे हैं, लेकिन USA और चाइना ने मार्स की धरती पर अपने स्पेसक्राफ्ट को उतारा है। ये दोनों फर्क याद रखिएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं। ओली स्वान एज द नेपाल प्राइम मिनिस्टर अगेंस्ट। कुछ दिन पहले ही आपने न्यूज़ सुनी होगी कि KP शर्मा ओली कॉन्फिडेंस वोट हार गए हैं, लेकिन अभी प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी ने ओथ ऑफ ऑफिस एंड सीक्रेसी मिस्टर ओली को दी है एज प्राइम मिनिस्टर। अब आप बोलोगे कि ओथ ऑफ अथॉरिटी, ओथ ऑफ मेजॉरिटी हार गए हैं यहाँ पे, मतलब ये जो वोटिंग होती है वोटिंग में कि भाई टोटल हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में 50% से ज़्यादा आपकी सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं तो आप PM बनोगे। अब ये तो हार गए KP शर्मा ओली, तब ये कैसे बन गए प्राइम मिनिस्टर? तो बात ये है कि KP शर्मा ओली के अपोजिशन में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो भी अपनी मेजॉरिटी को साबित नहीं कर पाई नेपाल की लोकसभा में। तो उस केस में अब प्रेसिडेंट विद्याधीरी भंडारी के पास क्या ऑप्शन बनता है कि वो जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं उनको प्रधानमंत्री अपॉइंट कर दे। तो इसीलिए 69-year-old चेयरमैन ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट मिस्टर KP शर्मा ओली को यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। अब KP शर्मा ओली को 30 दिन के अंदर अंदर अपनी मेजॉरिटी साबित करनी है, जो कि 99% चांस है वो साबित नहीं कर पाएंगे अंटिल अनलेस कोई बड़ा पॉलिटिकल ब्रेक थ्रू ना हो जाए, चाइना घुस के सबको 20-20 करोड़ रुपया ना खिला दे, तब तक मुश्किल है कि एक गवर्नमेंट बन पाएगी। अगर 30 दिन के अंदर ये सॉल्व नहीं कर पाते अपनी मेजॉरिटी तो उसके बाद फिर आर्टिकल 76 क्लॉज 5 ऑफ द नेपाल कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चीज़ें होंगी। जो कुछ भी होगा वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँगा जनरल स्टडीज पेपर 1 में करंट न्यूज़ ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस में आपको काम आएगी। फिर आज की आखिरी न्यूज़, इंडियन नेटिव टर्टल्स फेस US स्लाइडर थ्रेट अक्रॉस नॉर्थ ईस्ट। आई होप आज की नहीं आखिरी न्यूज़ नहीं, इसके बाद एक न्यूज़ और है। तो भाई एक क्यूट अमेरिकन टर्टल है जिसको इंडिया में पेट की तरह पाला जाता है। पेट मतलब जानवर होते हैं ना आपके घर में, जैसे कुत्ता हो गया, तो टर्टल्स को भी कछुए को पाला जाता है घर में। अभी कछुए को इसलिए भी पाला जाता है, इंडियन सोसाइटी में सोचा जाता है कि अगर आप कछुआ पालोगे तो घर में बहुत दौलत और बड़ा अच्छी चीज़ें आएंगी। तो अमेरिका का एक टर्टल है, इसको काफ़ी पाला जाता है, लेकिन प्रॉब्लम ये कि जो अमेरिका का पॉपुलर टर्टल है ना ये हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया की नेचुरल वाटर बॉडीज़ में पहुंच चुका है। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके पहुंचने में, लेकिन ये एक इन्वेजिव एलियन स्पेशी है और कहीं ना कहीं इस स्पेशी के चलते हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो फ्रेश वाटर स्पेशीज़ हैं, ओके अगर आप बात करो इंडिया में टोटल 29 वल्नरेबल नेटिव इंडियन स्पेशीज़ हैं फ्रेश वाटर टर्टल्स और टॉर्टोइज़ेस की, जिसमें से 21 नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है। अभी नॉर्थ ईस्ट इंडिया के इस 21
वल्नरेबल टर्टल स्पेशीज के लिए ये जो यूएस स्लाइडर है ये खतरा बन गया है। क्यों खतरा बन गया अभी बताता हूँ। अगस्त 2018 से लेकर जून 2019 के बीच में अ टीम ऑफ हर्पेटोलॉजिस्ट, हर्पेटोलॉजिस्ट क्या होता है, तो हर्पेटोलॉजिस्ट एक जूलॉजिस्ट होता है जो कि रेप्टाइल्स को, एम्फीबियंस को, फ्रॉग्स को, सेलेमेंडर्स को, इस प्रकार के जानवर को स्टडी करता है, इनकी कंजर्वेशन में रोल प्ले करता है। तो ये जो हर्पेटोलॉजिस्ट हैं एनजीओ हेल्प अर्थ के, इन्होंने अगस्त 2018 से जून 2019 के बीच में स्टडी की और ये पता किया कि भाई ये जो रेड ईयर्ड स्लाइडर्स हैं ये दीपोर बील वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में और उग्रतरा टेम्पल पाउंड में पाए गए हैं गुवाहाटी में। उस रिस्पेक्ट में एक रेड ईयर्ड स्लाइडर्स एक अननेम्ड स्ट्रीम जो कि तलवांग रिवर से एसोसिएटेड थी, मिजोरम की कैपिटल एजॉल के पास, वहाँ पे भी पाया गया। तो पाया गया कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये जो रेड ईयर्ड स्लाइडर है जिसको आप ट्रचाइमस स्क्रिप्टा एलिगेंस भी बोलते हो, इसका ये नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इसमें एक रेड रंग की स्ट्राइप्स होती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ रेड रेड रंग की आपको स्ट्राइप्स नज़र आ रही हैं। तो ये जो आपका पर्टिकुलर टॉर्टोइज है इसकी जो रेड रंग की स्ट्राइप्स हैं कहाँ पे हैं, इसके ईयर के पास हैं। तो ईयर के पास ही आपको यहाँ पे रेड रंग की स्ट्राइप्स नज़र आ रही हैं। ये टॉर्टोइज ऐसा बोला जाता है कि नेटिव स्पेशीज के लिए कुछ भी नहीं छोड़ता है। ये टॉर्टोइज नेटिव है यूएस का, नॉर्दर्न मैक्सिको का, बहुत एक्सट्रीमली पॉपुलर टॉर्टोइज है। छोटा होता है, इसकी मेंटेनेंस ईजी है, ज़्यादा खर्चा नहीं उसमें होता इसमें, लेकिन ये बहुत तेज़ी से बढ़ता है। और अगर नेचुरल स्पेशी में, नेचुरल इकोलॉजी में इसको छोड़ दिया गया तो बाकी स्पेशीज के लिए कुछ भी नहीं खाने के लिए छोड़ेगा, सब खुद खा जाएगा और इनकी पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ती है। तो इस रिस्पेक्ट में ये पर्टिकुलर टॉर्टोइज अगर नेचुरल वाटर्स में पहुंचता है नॉर्थ ईस्ट के, जो बाकी 21 टर्टल्स हैं, टॉर्टोइजेस हैं, वो खतरे में आ जाएंगे। जिस प्रकार से बर्मीज पाइथन जो कि यूएस में पहुंचा था एज अ पेट, उसने साउथ फ्लोरिडा के एवरग्लेड्स इकोसिस्टम को तबाह कर दिया, उसी प्रकार से जो रेड ईयर स्लाइडर है कर्नाटका गुजरात में पाई जाने वाली 33 नेचुरल बॉडीज में काफ़ी तबाही मचा चुका है। और सबसे ज़्यादा डेंजरस हो रहा है ये ब्रह्मपुत्र और उसके आसपास नॉर्थ ईस्ट की जो नदियाँ हैं वहाँ पर, चूँकि वहाँ की जो वल्नरेबल टर्टल पॉपुलेशन है वो खतरे में है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया इज होम टू मोर देन 72% ऑफ टर्टल एंड टॉर्टोइज स्पेशीज इन द कंट्री, और ये सब की सब बहुत रेयर हैं। और ये जो टॉर्टोइज है ये उन सब के हैबिटाट को डिस्ट्रॉय करने में काबिलियत रखता है। जनरल स्टडीज पेपर 3 में कंजर्वेशन, इन्वायरमेंट और बायोडाइवर्सिटी में न्यूज़ आपको काम आएगी। और आज की आखिरी न्यूज़, एम्पेडास मड क्रब हैचरी टेक्नोलॉजी गेट्स पेटेंट राइट टिल 2030। पहले तो आप देखो एम्पेडा क्या है, फुल फॉर्म है मैरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये बेसिकली एक स्टैटूटरी बॉडी है जिसको स्टैब्लिश किया गया है 1972 में अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अच्छा, ये जो एम्पेडा है इसके लिए एक्ट कौन सा है सरकारी, तो एम्पेडा एक्ट 1972। ओके, एक्सपोर्टर्स, फिशिंग मैकर्स और दूसरी प्रोसेसिंग एंटिटीज जो कि एम्पेडा के साथ रजिस्टर्ड हैं वो मरीन प्रोडक्ट्स को इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट कर सकती हैं। तो ये जो मैरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी है, स्टेटूटरी बॉडी है, इसको बनाया गया फॉर प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ मैरीन प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडिया। इंडिया से मैरीन स्पिरिट्स को ज़्यादा से ज़्यादा बाहर एक्सपोर्ट किया जा सके, बाहर के एक्सपोर्ट मार्केट्स के ऊपर कब्जा किया जा सके, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। और ये ऑर्गेनाइजेशन गाइड करता है, सपोर्ट करता है इंडिया की सी फूड इंडस्ट्री को, ताकि हम लोग क्वालिटी सी फूड को बना के मार्केट करके ग्लोबल मार्केट्स में बेच सके। और इसीलिए हमारे देश से जो मैरीन प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करते हैं, जो फिशिंग व्हीकल्स चलाने वाले लोग हैं, जो दूसरे मैरीन प्रोडक्ट्स को प्रोसेस करने वाली एंटिटीज़ हैं, इनको रजिस्ट्रेशन देना एम्पेडा के अंदर, ये काम है एम्पेडा का, ये स्टेटूटरी फंक्शन है एम्पेडा का। और ये कहाँ लिखा है, स्टेटूटरी फंक्शन है तो किसी एक्ट में लिखा होगा, तो एक्ट है एम्पेडा एक्ट 1972। ठीक है, अब बात करते हैं मड क्रैब हैचरी टेक्नोलॉजी। इस मड क्रैब हैचरी मतलब मड में, मिट्टी में पैदा होने वाला जो क्रैब होता है इसको हैच करना। अभी हैच करना मतलब उसको कॉमर्शियली कल्टीवेट करना, नए क्रैब्स को उगाना, जैसे पोल्ट्री में चिकन फॉर्म्स को उगाए जाते हैं ना काट के खाने के लिए, उसी प्रकार से मड क्रैब की हैचरी टेक्नोलॉजी को इवॉल्व करने का जो टेक्नोलॉजी है इसको डेवलप किया राजीव गांधी सेंटर फॉर एक्वाकल्चर ने। और राजीव गांधी सेंटर फॉर एक्वाकल्चर को इस टेक्नोलॉजी का पेटेंट मिला है कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क्स से 20 साल का, तो मतलब 2011 से लेके 2030 तक एक्वाकल्चर सेक्टर में ये जो मड क्रैब हैचरी टेक्नोलॉजी बनाई गई है इसका प्रयोग केवल कौन कर सकता है, राजीव गांधी सेंटर फॉर एक्वाकल्चर। ऑब्वियस ही बात है कमाई भी इसकी होगी। ये जो हैचरी टेक्नोलॉजी है मड क्रैब की जिसको बोला था स्काइला सेरेटा,
एक्चुअली मर्ड क्रैब की हैचरी टेक्नोलॉजी इंडिया में कितनी क्यों इंपॉर्टेंट मानी जा रही है कि पेटेंट दिया जा रहा है, तो इसके थ्रू जो मर्ड क्रैब पैदा किए जाते हैं ना, बड़े जबरदस्त तरीके से खाए जाते हैं साउथ ईस्ट एशिया में। अब भैया मेरे जैसे इंसान को तो समझ में नहीं आता कि कैसे कोई खा लेता है, बट चलो ठीक है, खा लिया तो खा लिया। साउथ एशिया में लोग इनको बहुत पसंद करते हैं। तो इस रिस्पेक्ट में आप देखोगे ये जो RGCA है, दिस इज द रिसर्च एंड डेवलपमेंट आर्म ऑफ गवर्नमेंट ओन्ड, एम्पेडा का रिसर्च और डेवलपमेंट आर्म है ये RGCA, और इसके लिए ये RGCA ने 2011 में पेटेंट के लिए अप्लाई किया था और पेटेंट फाइनली इनको मिल गया है 20 सालों का। मर्ड क्रैब का बहुत बड़ा मार्केट है साउथ ईस्ट एशिया में, और काफ़ी कमाई हो सकती है इंडिया की मर्ड क्रैब के एक्सपोर्ट से। इसीलिए आप देखोगे कि एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया था मर्ड क्रैब सीड को उगाने का 2004 में। 2004 में ऐसी सीड्स उगाना जिससे मर्ड क्रैब बनाए जा सकें, इसका एक आप कह सकते हो प्रोजेक्ट चलाया गया, वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ। 2013 तक RGCA के पास कैपेसिटी थी कि 1 मिलियन मर्ड क्रैब्स पर एनम पैदा कर सकते हैं, अब ये बढ़ा के 1.4 मिलियन हो चुकी है और इन क्रैब्स को इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट किया जाता है। ये जो RGCA है ये कॉमर्शलाइजेशन ऑफ डाइवर्स एक्वाकल्चर स्पेशीज को प्रमोट करता है, जैसे सी बास, मर्ड क्रैब, जेनेटिकली इम्प्रूव्ड फार्म टिलापिया, कोबिया, पुम्पानो, आर्टिमिया, और कहीं ना कहीं ये इंडिया का जो मेरीन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट बास्केट है उसको एनरिच करते हैं। दुनिया भर में क्वालिटी फूड को भेजना और उन क्वालिटी फूड के लिए इंडिया में क्वालिटी सीड्स का ईजाद करके उससे क्रैब बनाना, बाकी जानवर बनाना और बाहर उनको एक्सपोर्ट करके बेचना, दिस इज बेसिकली ऑल अ पार्ट ऑफ एक्वाकल्चर। और इसमें एम्पेडा एक मेजर रोल प्ले कर रहा है, और एम्पेडा की ही एक आम है जिसका नाम है RGCA, जिसको आप बोलते हो राजीव गांधी सेंटर फॉर एक्वाकल्चर, इसको ही मर्ड क्रैब हैचरी टेक्नोलॉजी के लिए पेटेंट मिला है। कहाँ से मिला है? CGPDT से, यानी कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स डिजाइंस एंड ट्रेडमार्क से, 2011 से लेकर 2030 के लिए। तो ये थी न्यूज़, ये आपको वो क्रैब्स नज़र आ रहे हैं जो कि इस टेक्नोलॉजी से ईजाद किए जाते हैं। जनरल स्टडीज पेपर 3 में अचीवमेंट्स ऑफ इंडियंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में न्यूज़ काम आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, आई होप आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे यूजफुल सीखने को मिला हो।